जय गुरु। आज का आलोचना का टॉपिक है कैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के अहंकार चूर्ण हुआ था। यह टॉपिक श्री श्री ठाकुर जी के दृष्टि में देवा और देवी श्री देवी प्रसाद मुखोपाध्याय का उनके लिखा से उद्धृत। आज ये टॉपिक हम उड़िया में कवर कर रहे हैं। अभी हम अपने सभी व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट वीक से हम लोग बंगाली में भी अपलोड करना शुरू करेंगे। अभी हम तीनों लैंग्वेज में हिंदी, उड़िया और बंगाली में अपलोड करेंगे। चलिए आज के आलोचना का टॉपिक शुरू करते हैं। एकदा चतुर्मुख ब्रह्मांकर अहंकार होता मो अपेक्षा बड़ आउ किए अच्छी मुली ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता। से दिन से विष्णु दरबार में बसी क्रमे क्रमे दशमुख ब्रह्मा, शतमुख ब्रह्मा, सहस्रमुख तथा लक्ष कोटि मुखधारी ब्रह्मा दल से ही दरबार में उपस्थित होगा लगे। यह देखि चतुर्मुख ब्रह्मांकर आखि खुशी होगला, तांकर बड़त्वर अहंकार चूर्ण होगला। से बुझिपारे मु ही एकमात्र ब्रह्मा नुहे, आहुरी ब्रह्मा भी अछंती एवं से माने मोठारु जथेष्ट शक्तिर अधिकारी। तेणु वैष्णव कवि विद्यापति भाववेगरे रचना करछंती कत चतुरानन मरी मरी जावत न तुआ आदि अवसाना, तोहे जनमी पुनः तोहे समावत सागर लहरी समान। केते केते ब्रह्मा तुमठा लीन हो जाती, तुमर आदि भी नाही अंत भी नाही, समग्र जीवकूल सागर तरंग परी तुमठारे जन्म हो तुमठारे ही लय प्राप्त होती। यही कहानी प्रमाणित तो हुए जे ब्रह्मा बहुत किंतु विष्णु बा नारायण जड़े, गोटे विष्णु पाखु कोटि कोटि ब्रह्मांड जात, गोटे ब्रह्मा गोटे छायापथ बा मिल्की वे सह गोटे ब्रह्मांडर स्रष्टा, यहीपरि कोटि कोटि छायापथ सह अनंत कोटि ब्रह्मांड भी जोठि लीन हो जाए ताहा ही नारायणंकर अनंत सज्जा। से ही विशाल व्याप्ति जहाँकि मनीषर कल्पनारे केबे भी आसी पारे ना, से ही व्यक्त अव्यक्त सबकिछि को व्याप्त करी नारायण बा विष्णुंकर अवस्थिति, सर्वत्र व्याप्त होती बोली तांकर आउ एक नाम विष्णु। विष धातु रो माने होची व्याप्ति, सर्वं विष्णुमयं जगत, समग्र जगत विष्णुमय। आमर ए ब्रह्मांडर छायापथ सह दृश्यमान ए ग्रह नक्षत्र परिपूर्ण जगत से ही परम ऐसी सतारे ही गोटे क्षुद्र अंश मात्र। तेणु नारायणंकर व्यक्त मानुषी तनु पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण कहते विष्ट भ्यामिदं कृष्ण मेकाशन स्थितो जगत गीता 10:42। यही समस्त जगत मु मोर मात्र गोटे अंश द्वारा धारण करी। आज के आलोचना का टॉपिक यही खत्म करते हैं। जय गुरु।